ये है बक्सर का नगर परिषद का अधिकृत कचरा डंपिंग सेंटर, जहां सैकड़ों की संख्या में बनने वाला राशन कार्ड और विवाह निबंधन प्रमाण पत्र कचरे के ढेर में फेंका हुआ पाया गया, जिसके बाद सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सर, ये बिहार का राशन कार्ड है। हाँ जी सर, आपको क्या लगता है इस तरह से कचरे में फेंका गया है, ये किसकी लापरवाही लगती है आपको? सर, सरकार की लापरवाही लगती है। हाँ, गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा और जी सर, और ऐसे रोड पे फेंका जा रहा है। गरीब और मध्यम परिवार के लोगों के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड की सुविधा दी जाती है, लेकिन रास्ते में गुजरने वाले लोग व्यवस्था को दोष देते हुए अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ये सभी कार्ड हस्ताक्षर किए हुए और चालू वर्ष के थे। ये विवाह निबंधन प्रमाण पत्र है, इसमें जो है ये कचरे में फेंका गया है, अगर ये दूसरे लेने जाते हैं तो इनको पैसा लगेगा, यही सब है, देख लीजिए। और ये राशन कार्ड है 2008 से 2017 तक है, और ये जो है अभी 17 खत्म नहीं हुआ और अभी जो है कचरे में, अभी अगर जाकर मांगने के बाद लोग कहेंगे कि नहीं है हमारे पास। हालांकि ये देश की जनता की बदनसीबी है कि सरकारी योजनाओं की सुविधा कुछ लापरवाह अधिकारियों की वजह से गरीब और आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए जरूरत है कि सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।